वालेकुम उम्मीद है आप सब खैर से आज हम uh, 15 का शाह आगाज कर रहे हैं uh, पहले हमनेट इलेक्ट्रिसिटी पे आए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फर्दर uh, हमने देखा कि करंट के मैगनेटिक्स क्या हैं लास्ट लेक्चर यू सो दैट वेर एवर देयर इज अ कर मैग्नेटिक फील्ड सराउंड सोलिन के लिए जितना करंट ज्यादा था मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी तो जो फिजिस उन्होंने ये बात सोचना भी शुरू कर दी कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है यानी कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं सो टूडेटेन्स द फॉलिंग ऑब्जेक्टिव हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में कवर करेंगे जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, इंडक्शन पांच मैकेनिज्म है uh, वैसे तो और भी यूज हो सकते हैं लेकिन हम पांच मैकेनिज्म देखेंगे जिसके जरिए इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस uh, किया जा सकता है सो दीज आर दुडेज लेक्चर

इसके मुकाबले में जब वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप डिफ्लेक्शन तो देखेंगे लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो लेट्स से अगर पहले डिफ्लेक्शन जो थी वो लेफ्ट साइड में थी तो आप जो डिफ्लेक्शन है वो होगी राइट uh, right वाली साइड पर इन द मीन टाइम आप लोग ये बात भी ऑब्जर्व uh, करेंगे कि अगर मैं इसको दरमियान में लाकर जब सारी लाइन फील्ड की पास कर रही हूं मैं इसको रख दूं, स्टैटिक रख दूं, तो आप देखेंगे कि किसी भी किस्म की कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी सो so, इसके बाद है जी अगर लूप को राइट या लेफ्ट मूव किया जाए गेलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है ले जी अब मैं आपको वो आ, समझ लें कि मेथड बताने हूं जिसके जरिए आप पूरे टॉपिक को अब कंक्लूड कर सकते हैं सो so, मेरे मैं हमेशा इन फोर स्टेप्स को फॉलो करता हूँ so, so, जी जब भी रेलेटिव मोशन होती है तो पहला स्टेप है रेलेटिव मोशन का होना मोशन से मुराद है कि क्वाल स्टेटिक है मैग्नेट मूव करना स्टार्ट कर दे या मैग्नेट स्टेटिक हो और कॉइल मूव करना स्टार्ट कर इसका मतलब है या तो मैग्नेट कॉइल के लिहाज से हरकत कर रहा हो या कॉइल ये लूप जो है वो मैग्नेट के लिहाज से ऐसे हरकत कर रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो हो रही जी रिलेटिव मोशन के नतीजे में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हैं सो so, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर तो लूप अगर ये फील्ड लाइन्स हैं सो so लेट्स और पहले लूप इस तरह से पड़ा हुआ था तो फ्लक्स यानी स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ज्यादा थी लेकिन अगर यही Uh, आपका जो है उसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें तो इस पोजीशन में जब ये घूम के जाएगा, तो इसमें जो फ्लक्स फील्ड की स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी तो याद रखें जब आप ई एम एफ इंड्यूस करना चाहते हैं देन वी मस्ट हैव चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अंदर सो ईएमएफ इंड्यूस होती है अब समझे जरा ईएमएफ क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ ये बार-बार ईएमएफ -बार की याद रखें जब आप इसको मूव करते हैं ईएमएफ के नाम से एक टॉपिक कल पढ़े हैं उसमें आपको ये बात बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे होता है लेकिन फिलहाल मैं आज आपको ये बात बता दूं कि होता ही है जब हम मैग्नेट को या कॉइल को मूव करते हैं तो चार्जेस एक एंड पे नेगेटिव चार्जेज इकट्ठे एंड के ऊपर से आएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन की uh, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इलेक्ट्रॉन Elect की कमी को हम किसाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ तो क्या मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि बैटरी क्या होती है तो बैटरी भी तो यही चीज होती है बैटरी uh, में जो ई एम एफ प्रोड्यूस होती है वो इसी वजह से होती है की एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस मूव करते रहते हैं so, रेलटिव मोशन से उतनी देर तक ही आपको उसके रिटर्न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मिलती है लेकिन ही आप स्टैटिक करते हैं तो ये रुक जाता है फिनोमेना तो एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर लो पोटेंशियल डेवलप होने के बाद इसके नतीजे में क्या होता है इसके नतीजे में होता है कि इंड्यूस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है कहां से कहां? जो है वो आपका करंट फ्लो करता है और ई के नतीजे के अंदर ये डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देती है सो so, मेरे फोर स्टेप्स हैं इनको याद रखिएगा मैं ब्रिग्रेसिवली इसको वेरीफाई करूंगा आपके साथ तो सबसे पहले जी कौन सी चीज का होना जरूरी है uh, रैलिटिव मोशन का होना जरूरी है सो रैल्टिव मोशन होगी तो रेलटिव मोशन के नतीजे में अः क्या होगा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होंगी किसी भी तरीके से तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ईएमएफ से इंड्यूस होने से मुराद है कि कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा हाई पोटेंशियल और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल सो हाई और लो पोटेंशियल के नतीजे में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो इस तरह से इंड्यूस करंट जब वो डेवलप होता है आ, सो येडी डा फिनोमिना मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस हो जाए इसको कहते हैं इलेक्ट्रो इंडक्शन इंडक्शन का फिनोमिना कंडक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इंडक्शन में डायरेक्ट कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है वायर का आ, किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ बल्कि ये आ, एक दूसरे से फिजिकली आइसोलेटेड है बट स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस होने वाले करंट को इंड्यूस कर प्रोड्यूस होने वाले ओके uh, okay. uh, अब ऐसा है कि uh, अगर आप देखेंगे तो करंट को जब आप जब आप रजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं ना तो बेटा रजिस्टेंस बढ़ाने से करंट की मिकदार कम हो जाती है सो so, रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वायर की अगर तो करंट की मकदार कम हो जाएगी और अगर रजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट की मिकदार जब वो ज्यादा हो जाएगी So, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस करंट को फोर्स करते हैं पहली बात है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दूसरी बात है जितना तेजी से मूव करेंगे नाउ आई एम गोइंग टू टेकोज सो डेट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अभी तक के फेज में आप मुझे बता दें कोई क्वेश्चन है तो अः uh, जो फाइव वो बिल्कुल सेम है बट उन मेथड्स में ये है कि आप सिर्फ इनको इन पॉइंट को रिवाइज कर रहे होंगे और मैकेजम देखेंगे सो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क य अभी तक आज का जो आज के सेशन का जो आपका मैसेज है वो ये है दैट इज फेथ सो फेथ इज ईमान फेथ दैट इज वेरी वाइटल फॉर एनी ह्यूमन बींग आप देखते हैं कि लोग जो है वो खुदकुशी भी कर लेते हैं तो ये वो वाले लोग हैं जो मायूस होते हैं जिनको कोई सहारा नजर नहीं आता होप लेस होते हैं सो so, जो इफ यू है होली बुक और आपको पता है कि दोज हु हैव अ फेथ एंड परफॉर्म द राइटियस डीड्स दे आर द राइटफुल ओनर्स ऑफ द पैराडाइज देयर इन शैल दे अबाइड बाय फॉरएवर सो जहां पर वो हमेशा के लिए रहेंगे सो हैव एन अफर्मेटिव बिलीफ और uh, जितना स्ट्रांग आपका बिलीव होगा उतना ही आपको कोई मोटिवेशन ना भी मिल रही हो तो फिर भी आप अपना काम बड़े जद्दोजहद के साथ और पूरी तंदही के साथ करते रहेंगे सो so, आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं शुक्रिया अल्लाह हाफिज